जनपद मुजफ्फरनगर में सोमवार को पुलिस विभाग के द्वारा जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें एसएसपी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में जनपद के तमाम पुलिस फोर्स ने सड़कों पर उतरकर चेकिंग की। इस दौरान एसएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि आगामी त्यौहार और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुजफ्फरनगर शहर में 9 स्थानों पर सघन चेकिंग की गई। उन्होंने बताया सघन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार के पास से बोतल में डीजल और दूसरे के पास से कैरोसिन का तेल बरामद हुआ, जिसे जब्त कर लिया गया और विस्तृत पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि उन्हें स्थानीय पुलिस के अलावा ITBP और CRPF की एक एक कंपनी मिली हुई है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा, जनपद में त्यौहार और लोकसभा चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन CAA लागू होने के सवाल पर SSP ने कहा, जो भी सरकार का नोटिफिकेशन जारी होगा उसके आधार पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाएगा। आज जनपद मुजफ्फरनगर के शहर इलाके में हमने नाकाबंदी का प्लान करके चेकिंग कराई है। यहाँ पर हमारे पास पुलिस लाइन की 2 QRTs, पुलिस ऑफिस से तोड़े गए पुलिस बल की 3 QRTs और 2 CAPF की कंपनी, जिसमें ITBP और CRP की कंपनियां हमारे साथ यहां डिप्लॉयड है। ये पूरी चेकिंग जनसामान्य में इलेक्शंस के दौरान आत्मविश्वास पैदा करने के लिए और किसी प्रकार के भी अवांछित एंटी सोशल एलिमेंट्स के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए है। आगामी त्यौहार सकुशल संपन्न होंगे और पब्लिक को लॉ एंड ऑर्डर में भरोसा रहे, इससे ये सघन चेकिंग अभियान कराया जा रहा है। इस समय जनपद के शहर इलाके में खासकर 9 स्थानों पर CAPF के साथ हमारी ज्वाइंट चेकिंग चल रही है, जिसमें हम एक एक व्यक्ति और एक एक गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं। तो कुछ मिला CA को जगह लेकर जो चर्चा ही चल रही थी लागू होने की, उसको लेकर भी जैसा भी अनाउंसमेंट होता है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होता है, उसके हिसाब से हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम लोग किसी प्रकार से कानून व्यवस्था में कोई खलल पैदा नहीं होने रहे। कोई संदिग्ध पकड़ा गया था? अभी यहाँ पर फिलहाल कोई संदिग्ध नहीं पकड़ा गया, परंतु कुछ लोग छोटी मोटी बोतलों में डीजल या केरोसिन जैसी चीजें अपने घर के लिए लेके जा रहे थे, उसको भी जब्त कर लिया गया है। वो तभी रिलीज किया जाएगा जब उनके बारे में पूरी तहकीकात कर रहे हैं। ऐसे 2 लोग बस मैं जनपद वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आगामी त्यौहार को सकुशल मनाए, आपसी सौहार्द बनाए रखें और देश का त्यौहार जो कि चुनाव है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, उसके लिए हम उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। सर कितनी कंपनियां फिलहाल बाहर से बुलाएंगे? अभी यहां पर हमें सेंट्रल पुलिस की तरफ से हमको 1 कंपनी ITBP और 1 कंपनी CRP मिली हुई है।